नसरीन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम शीर बनाएंगे। शीर एक बहुत ही मशहूर स्वीट डिश है। इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाकर दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये आधा कप सेवई ली हमने, ये चिरौंजी है एक चम्मच, गोला है आधी कटोरी, बादाम है आधी कटोरी, ये हमने ऐसे काट लिए हैं, गोला हमने कद्दूकस किया है, आधी कटोरी काजू है ऐसे शेप में काट लिए हैं, दो बड़ी इलायची हैं, दो छोटी इलायची हैं, इनके हम दाने निकालेंगे। ये हमने छुहारे लिए हैं, 150 ग्राम छुहारे हैं ये। इसको हमने आधी किलो दूध में पका के इसको ऐसे काट लिया है। ये आधी कटोरी चावल हमने भिगो कर रख दिए थे 2 घंटे पहले, अब हम इनको मिक्सी में पीसेंगे। ये मखाने हैं 1 कटोरी, 250 ग्राम चीनी ली हमने, 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है, 1.5 किलो दूध लिया है हमने, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे शीर। ये चावल पीस लिए हमने, इसमें हमने पानी डालकर पीसा है, आप चाहे तो सूखे भी पीस सकते हैं। इसको हम इस भगोने में पलट लेंगे और इसमें हम 1 कप पानी और डालेंगे और हम इसको अलग से चूल्हे पर पकाएंगे। इसको हम स्लो गैस पर हल्के हल्के चलाते हुए पकाएंगे। 1 मिनट से हम इसको चला रहे हैं, ये हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसको दूध में मिक्स करेंगे। ये दूध पक गया है हमारा, अब हम इसमें चावल मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे शीर में गांठ नहीं पड़ेंगी, गांठें नहीं पड़ेंगी। सूखे चावल में कभी कभी गांठें पड़ जाती हैं दूध में। दूध को हम ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं चावल। हल्का सा गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। ये 3 मिनट से हम लगातार इसको चला रहे हैं। अब हम इसमें छुहारे डालेंगे। गोला डालेंगे, बादाम डालेंगे और काजू। इसको हम चलाते रहेंगे 5 मिनट तक। ये 5 मिनट से हम इसको पका रहे हैं। सेवई डालेंगे और सेवइयां गलने तक चलाते हुए ही पकाएंगे हम इसको, चम्मच को रोकना नहीं है। सेवइयां इसमें गलने लगी हैं, अब हम इसमें चीनी डालेंगे और 2-3 मिनट पकाएंगे अच्छे से चीनी घुलने तक। ये चीनी इसमें अच्छे से घुल गई है, यह शीर हमारा तैयार हो गया है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे और मखाने तलेंगे। घी डालेंगे हम, देसी घी लिया है हमने, और इसमें मखाने फ्राई करेंगे हम। मखाने फ्राई कर लिए हमने, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको उतार लेंगे। अब हम इसमें फिर घी डालेंगे और ये चिरौंजी डालेंगे।
ये फ्राई हो गई है चिरौंजी। अब हम इसमें ये डाल देंगे इलायची, कूट लिया हमने, चूल्हा बंद कर देंगे। अब शीर में डाल देंगे, और ये शीर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये शीर सर्व कर दिया है हमने। अब हम इसको मखाने से गार्निश करेंगे। ये हमारा शीर तैयार है। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।